अपराध और अपराधियों के ऊपर पूर्णतया रोकथाम लगाने के लिए गोरखपुर पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसी को और प्रभावी बनाने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र शिकंजा सुदर्शन के बाद ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र चलाया है। एडीजी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि चिन्हित अपराधियों से सहमति लेकर ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र से अपराधियों की लोकेशन की निगरानी की जाएगी, जिससे उनके गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा सके। शुरुआत में 50 अपराधियों को चिन्हित करके ये ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसका गूगल मैप के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, ये इक्विपमेंट दे देती है, अभी हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उसके पे मैं वर्क कर रहा हूँ। जब हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा तो मैं जो सहमत हो गए से लोग उनको हम ये देंगे। कुल मिलाकर इस पूरे प्रोसेस में दो तीन चीज प्रमुख है। नंबर वन जो मैं आपको बताऊंगा कि एक है कि निगरानी जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगी, 24/7 होगी, लगातार एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनेगा जनपद में, जो ब्रह्मास्त्र के लोग उसको जो भी अपराधी है उसको निगरानी रख सकेंगे, वीडियो कॉल से चेक कर सकेंगे। इससे दूसरा जो फायदा उनको होगा कि वो किसी फर्जी नामजदगी और चीजों से बच सकेंगे, और साथ ही साथ पुलिस का थोड़ा सकारात्मक रवैया भी इन लोगों के प्रति रहेगा। दो अपराधी एक कहेगा सर मैं नहीं आ रहा हूँ, एक कह रहा मैं आ रहा हूँ, तो स्वाभाविक है जो नहीं आ रहा उस पर हमारी नजर और पैनी हो जाएगी कि उसके मन में कुछ खोट है ना। और सहमत जो प्रमुख इसका आधार है वो है सहमति। इसमें मेन चीज है कि उनकी सहमति हमें मिलेगी, क्योंकि इसमें हमारी इनेबलिंग अभी लॉ नहीं है, इसलिए हम लोग कंसेंट बेस इस पे चल रहे हैं।